साथ ही आज की इस वीडियो में 15 ऐसे जीके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कैलीमेयर पॉइंट, केप केमोरिन, इंदिरा पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, केप केमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, केप केमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या नॉर्मन पॉइंट। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा साधारण करने का कार्य करती है। इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, रेड क्लिफ रेखा, डुरांड रेखा, मैका मोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, मैक मोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, रेड क्लिफ रेखा, डुरांड रेखा, मैक मोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, रेड क्लिफ रेखा। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, दीर्घा तट, मालाबार तट या कोंकण तट या फिर कोरोमंडल तट। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, कोरोमंडल तट। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, उत्तरी और पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमालय में। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के दूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लक्षद्वीप, रामेश्वर, कन्याकुमारी, निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणी नोक है। इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इंदिरा बिंद, केप केमोरिन, कैलीमेयर बिंदु, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, केप केमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व और सबसे व्यवस्थित है। तो इसमें आपका चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल, हैदराबाद। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 7, 8, 9, 10। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, भावर, खादर, दून, तराई। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भावर कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है मैकाल, हिमालय, नीलगिरी, आरावली। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिमालय। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।